महाराष्ट्र सरकार ने 33 जिलों के 29,600 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन गांवों की 2015-16 की खरीफ की फसल 50% या उससे ज्यादा खराब हुई है उन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से ये पूछा था कि राज्य में भीषण सूखा होने के बावजूद सूखा घोषित क्यों नहीं किया गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में पेयजल के संकट के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है। लातूर जिले में तो सरकार को ट्रेन से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है। अब सरकार को सूखा प्रभावित गांवों में छात्रों की फीस माफ करने, बिजली बिल राजस्व वसूली में छूट देने और टैंकर से पानी आपूर्ति करने जैसी कई सहूलियतें देनी होंगी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में औसत से 27% ज्यादा बारिश के अनुमान के बाद अब भारी बारिश से निपटने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस मानसून में राज्य में औसत से 27% ज्यादा बारिश होने की संभावना है। राज्य में जुलाई और अगस्त में भारी बारिश का अनुमान है।